Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here, और आज मुझे एक रिमाइंडर देना है आपको। उससे पहले बच्चों, कल जनता कर्फ्यू है, प्लीज अपना ध्यान रखें, कल कहीं बाहर ना निकले, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए कहीं बाहर ना निकले। बच्चों आपका ध्यान रखना है, आपको कुछ हुआ तो फैमिली को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाए, बाहर जाना भी टाले, हाथ अच्छे से धोए, पूरा अपना ध्यान रखें। और अभी मुझे जो बात करनी है वो ये है बच्चों कि मैंने देखा काफी बच्चे वैकेशन के मूड में चले गए, यानी कि वो पूरा चिल कर रहे, सही भी है, बट बच्चों ऐसा हर बार नहीं है। लाइक आपको कुछ टाइम तो निकालना है, क्योंकि अभी क्या है, हर एक कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से वीडियो पुट किए गए हुए हैं कि आप देखें और वो जो भी बाकी पोर्शन है सिलेबस का वो कंप्लीट करें। तो जितने एफर्ट टीचर से लगाए जा रहे प्लीज उसका यूज भी करें, और उससे भी चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, आपको वो एफर्ट्स की कोई समझ लो कोई है नहीं, कोई ऐसा कोई है नहीं, आप कर लेंगे। आपको ऐसा है कि हम इंजीनियर हैं और हम लास्ट मिनट सब करते हैं, वो सही भी है, बट हर बार नहीं होता और हर किसी के लिए ये बात नहीं होता, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, जैसे कि पहले तो सर पे आपके पास असाइनमेंट है, क्योंकि अभी आपके सबमिशन वाइवा बाकी है, तो प्लीज असाइनमेंट वर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि जब भी ये खत्म होगा ये कोरोना वाला, आज नहीं तो कल सीधा ही आपको आने वाला है सबमिशन वाइवा, और तब साथ में एग्जाम और सब इतना साथ में आ जाएगा कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकेंगे। तो पहले ये असाइनमेंट वाला वर्क निपटा लें। फिर दूसरी बात ये है कि आप GDU की कुछ प्रिपरेशन करें, आधा सिलेबस भी अगर कंप्लीट है तो बच्चों आप GDU के पेपर सॉल्व कर ही सकते हैं, तो प्लीज जाके GDU के पेपर है वो डाउनलोड करें, अच्छे से देखें, कुछ एनालिसिस भी करें कि पेपर में ज्यादा क्या पूछा जाता है, मुझे क्या करना अभी बाकी है, थोड़ी नोट्स भी बनाएं बच्चों, दो तीन पेपर अच्छे से सॉल्व भी करें। और तीसरी बात ये है कि जिनको ब्लॉक या KT है उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा समझती हूँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समझ लो आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको एक बार ब्लॉक या KT आएगा, अगर आया है या नहीं आया उसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, आया तो कोई नहीं, नहीं है तो भी कोई नहीं, बट बच्चों अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है इसको कवर करने का, हमें इंजीनियरिंग करना है, वी आर प्राउड इंजीनियर्स। तो प्लीज बच्चों आप क्या करें कि एक नोट पेन लेके अच्छे से बैठे और फिर देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको ब्लॉक है, KT है, क्या है, और वो जो सब्जेक्ट है वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो थियरी है, कौन सा है जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए मुझे कौन कौन से चैप्टर करने, उसके पेपर भी आप डाउनलोड करें। और प्लीज ये बहुत ही अच्छा टाइम है बच्चों, इसको आप थोड़ा सीरियस लीजिए, और जो भी ब्लॉक KT है इस सेमेस्टर में निकाल ही दीजिए, अभी कुछ चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो, पूरा क्लियर रहना है प्लीज। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी आपके लिए वही होगा कि आप पूरा सब कुछ निकाल लें, तो इस टाइम बच्चों ब्लॉक और KT को निकालने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। GDU के पेपर डाउनलोड करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, घर बैठे जो ये टाइम मिला है उसका अच्छे से यूज करें, वही आपके लिए स्मार्ट वर्क होगा, वरना मैं नहीं समझती कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक रात पढ़ के आ जाता होता तो ये ब्लॉक KT होती ही नहीं, समझ रहे हो, KT तो होती ही नहीं, ब्लॉक हो सकता मे बी कि अगर गलती से फिर से आ गया, पर KT तो हो ही नहीं सकती थी। तो अब ये अच्छे से समझ लीजिए कि हम में कोई फॉल्ट है, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, कुछ तो रह गया है, तो प्लीज अपना अच्छे से एनालिसिस करिए, ये ना समझे कि मैडम क्या बोल रही है यार, इसको वीडियो को बंद कर दो अभी जल्दी से, ऐसा ना सोचे। अभी आपके पास मैं अच्छे से बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ आपको कि आपके पास जो भी ब्लॉक KT है उसमें से जो भी हार्ड सब्जेक्ट है आपके लिए उसका प्रिपरेशन करें, अच्छे से सारी नोट्स बनाएं, अगर कोई थियोरी सब्जेक्ट है और आपको लगता है कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा तो उसका जो भी मटीरियल पढ़ने के लिए चाहिएगा अगले दिन तो वो उसको प्रिपेयर करके रखिए बच्चों, समझ रहे हो आप। तो आई होप बच्चों आपको ये रिमाइंडर, आई होप ये सक्सेसफुली आपके दिमाग तक पहुंचे ये रिमाइंडर, और आप उस पर वर्क भी करें, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे इंजीनियर बने ही, वी आर प्राउड इंजीनियर्स। सो बच्चों प्लीज
अच्छे से करना है, इस टाइम को पूरा अच्छे से यूज कीजिए। और एक बात बच्चों, हमारी चैनल से जुड़े रहे, प्लीज सब्सक्राइब करें इसे और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एंड प्लीज बच्चों, आप लाइक बटन दबाइए, एक लाइक आपका होगा ना बच्चों, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा करने के लिए। और मैंने देखा है कि जो ज्यादा इक्वेशन या वाला कोई भी डेरिवेशन हो जाता है तब उसे देखने में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा लगा है, तो मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करने ही वाली हूँ। बट आप चैनल से जुड़े रहे, मैं अच्छे वीडियो डालने वाली हूँ। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज सेफ रहे।